परिसर में हुए हमले के बाद जहां मंदिर के आसपास सुरक्षा बढ़ाई गई है, वहीं प्रदेश में अलग अलग मंदिरों में सुरक्षा के क्या इंतजाम है इसको लेकर लखनऊ के प्राचीन मनकामेश्वर मंदिर के बाहर से पुलिस की मौजूदगी को लेकर इंडिया न्यूज संवाददाता रवि कुमार ने जायजा लिया है। देखिए रिपोर्ट। गोरखपुर में मंदिर परिसर के बाहर हमले के बाद जहां गोरखपुर मंदिर के आसपास पूरा छावनी तब्दील कर दिया गया है और साफ तौर पर आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई, वहीं मंदिरों के क्या हालात बता दें, लखनऊ के प्राचीन मनकामेश्वर मंदिर के बाहर मौजूद हो देख सकते हैं कि यहां पर सुरक्षाकर्मी नजर नहीं आ रहे हैं और आसपास कहीं भी पुलिस नजर नहीं आ रही। हालांकि ये वो रास्ता गया है जो सामने की तरफ, वहां पर एक पुलिस चौकी जरूर बनाई गई, वहां पर पुलिसकर्मी मौजूद है, लेकिन वहां से लेकर यहां तक कोई भी पुलिसकर्मी नजर नहीं आ रहा है और साफ तौर पर आसपास दुकानें भी नजर आ रही हैं। दुकानों के आसपास हालांकि भीड़ नहीं है और सुबह का वक्त यहाँ पर भीड़ जरूर रहती है। सुबह से कोई पुलिस वाला आया था क्या यहाँ पर, दिखाई दिया था क्या? अभी नहीं, आते जाते अभी नहीं दिखा, कुछ नहीं। और भी लोग उनसे जाने की कोशिश करेंगे और उनसे पूछेंगे कि क्या कहना है। कुछ पुलिस वगैरह सुबह से नजर आए थे? नहीं नहीं, अभी तो फिलहाल नहीं नजर आए। अच्छा, कोई पुलिस वाला यहाँ पे सुबह से कोई दिखाई दिया था क्या? नहीं नहीं, कोई नहीं। कब से पुलिस वाला यहाँ नहीं दिखा कोई? कल आए थे, आज तो नहीं। कल आए थे जी? कितने समय आए थे कल? कल शाम के टाइम। कितनी ज्यादा पुलिस थी कि कुछ लोग? दो तीन लोग थे। हालांकि एहतियातन पुलिस जरूर अपना काम कर रही है, लेकिन अगर आज की बात करें तो आज मंगलवार का दिन है और सुबह से यहां पर कोई भी पुलिस वाला यानी पुलिसकर्मी यहां पर नजर नहीं है। हालांकि सुरक्षा को लेकर जरूरी इंतजाम हो इसके लिए निर्देश दिए गए हैं। सामने जो पुलिस चौकी है वहां पर पुलिस के लोग जरूर नजर आ रहे हैं, लेकिन अगर हम बात करें तो इस मंदिर के आसपास कोई भी पुलिस का कोई भी जवान वो नजर नहीं आ रहा है। यानी कि कह सकते हैं कि यहाँ पर सुरक्षा को लेकर एक बड़ी लापरवाही है वो सामने आई है और साफ तौर पर जिस तरीके से गोरखपुर मंदिर परिसर में हमले की घटना हुई थी उसके बाद से ये कहा जा रहा था कि जो जितने भी मंदिर हैं वहाँ के आसपास सुरक्षा है वो बढ़ा जाए, लेकिन कहीं ना कहीं लापरवाही यहाँ पर जरूर देखने को मिल रही है। शिवम के साथ रवि कुमार, इंडिया न्यूज़, लखनऊ।